हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और जैसा कि आपको पता है, IUCL टेक्निकल अटेंडेंट में जो IUCL की जो टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हमारा थियरी का फुल कोर्स चल रहा है। तो ऑलरेडी हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 14। इंजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यविधि के बारे में। इसके पहले इंजन की जो बेसिक चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो इंजन से रिलेटेड टर्म्स हो गए, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया है, संरचना को पूरी पढ़ा दिया है, जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा दिया है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को पहले नहीं देखे हैं तो आज का लेक्चर हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको जाके देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यविधि के बारे में। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डीजल मैकेनिक को मैंने पढ़ाया था, उसी वीडियो को आगे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो आप देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली के बारे में। अब देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्य प्रणाली, यानी कि 4 स्ट्रोक जो डीजल इंजन है वो काम कैसे करता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंजन की संरचना और इंजन से जुड़े जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो पिछले 2 लेक्चर जो आपको जानना या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, तब इस वाली वीडियो को आप देखिए। अब डीजल इंजन की बात आ गई तो डीजल इंजन का जो विकास है वो किसने किया था? डीजल इंजन का विकास सन 1895 में रुडोल्फ डीजल ने किया था, ठीक है। इनका नाम क्या था, जो वैज्ञानिक जिन्होंने डीजल इंजन को बनाया था उनका नाम क्या था? रुडोल्फ डीजल। और इन्हीं के नाम पे क्या बना इस इंजन का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? डीजल इंजन पड़ा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, डीजल इंजन का विकास सर्वप्रथम सन 1895 में रुडोल्फ डीजल ने किया था। तो अब देखिए, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, पहला लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था इंजन से संबंधित, तो वहाँ पर मैंने आपको इंजन का वर्गीकरण बताया था, ठीक है। वर्गीकरण में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा, वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था अंतर्दहन इंजन और ठीक है बाह्य दहन इंजन। अंतर्दहन में भी फिर 2 तरह का था, संपीड़न प्रज्वलन, ठीक है, और स्फुलन प्रज्वलन। जिन लोगों ने क्लास किया होगा उनको याद होगा। फिर इसको भी हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था 2 भागों में, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संपीड़न प्रज्वलन इंजन यानी कि डीजल इंजन पढ़ने वाले हैं और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जो इसको 4 स्ट्रोक इंजन क्यों बोलते हैं, यानी कि भैया 2 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है, तो किस आधार पर हम कहेंगे कि ये इंजन 4 स्ट्रोक है और किस आधार पर कहेंगे कि ये इंजन 2 स्ट्रोक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखिएगा, 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र, ठीक है, एक क्रिया चक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है, इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है क्रिया चक्र, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल। जितने भी इंजन होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो क्या होता है? सेम होता है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल सब इंजन में होगा लेकिन किसी में 4 स्ट्रोक में पूरा होगा तो उसको हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन बोलेंगे,
किसी में टू स्ट्रोक में होगा तो उसको हम लोग टू स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। तो अब आइए समझते हैं जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिया चक्र या ऑपरेटिंग साइकिल। क्रिया चक्र और इंग्लिश में लिख लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये चार प्रोसेस से मिलके बना होता है। जो एक ऑपरेटिंग साइकिल इंजन का होता है वो चार प्रोसेस से मिलके बना होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चूसन। ठीक है, अगला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? संपीड़न, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है शक्ति या प्रसार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर या एक्सपेंशन। और चौथा जो प्रोसेस होता है वो होता है निकास, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एग्जास्ट। ठीक है, जितने भी इंजन होंगे उसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल होगा और ऑपरेटिंग साइकिल के अंतर्गत चार क्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है? सक्शन होता है। दूसरा होता है संपीड़न होता है। तीसरा होता है शक्ति या प्रसार, जिसके दौरान हमको पावर मिलती है। और चौथा होता है निकास, जिसके दौरान क्या होता है? धुएं का जो धुएं को इंजन से बाहर निकाला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो चार स्ट्रोक इंजन होगा उसमें इन चारों प्रोसेस के लिए एक एक स्ट्रोक होगा। यानी कि एक स्ट्रोक में क्या होगा? सक्शन होगा, एक स्ट्रोक में संपीड़न होगा, एक स्ट्रोक में शक्ति या प्रसार होगा और एक स्ट्रोक में निकास होगा। जबकि जो दो स्ट्रोक इंजन होगा उसमें क्या होगा? एक स्ट्रोक में ये वाला प्रोसेस होगा और एक स्ट्रोक में ये दोनों प्रोसेस होगा। यानी कि दो स्ट्रोक में ही ये चारों प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे टू स्ट्रोक इंजन। और जब इन चारों प्रोसेस को पूरा करने के लिए चार स्ट्रोक की आवश्यकता होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे फोर स्ट्रोक इंजन। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल में चार क्रियाएं होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जास्ट। तो इसी के नाम पर जो फोर स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक होते हैं उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। जैसे जो पहला स्ट्रोक होगा फोर स्ट्रोक इंजन का उसको हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होगा पावर स्ट्रोक और चौथा होगा एग्जास्ट स्ट्रोक। अब अगर कुछ लोगों को स्ट्रोक ना समझ में आ रहा हो तो मैं ये सभी चीज़ें पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि टीडीसी से और बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों क्रियाओं से मिलकर हमारा जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो काम करता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे फोर स्ट्रोक इंजन में, पहला हेडिंग डाल लीजिए सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, आपको ये समझ इस चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आना, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। फोर स्ट्रोक इंजन ऑपरेटिंग साइकिल होता है और एक ऑपरेटिंग साइकिल फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्रमशः क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक और एग्जास्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए सक्शन स्ट्रोक। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा कि क्या है भैया सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जास्ट। तो अभी एक एक प्रोसेस को जब हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे कि सक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लीजिए चूसण स्ट्रोक। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा इनलेट स्ट्रोक, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने चार यहाँ पे फिगर आपको बनाए हुए हैं। अब इस फिगर का काम आ गया। तो पहला वाला फिगर ये है, संरचना में मैंने आपको क्या बताया था डीजल इंजन में, यहाँ पे होता है इनलेट वाल्व,
यहाँ पे होता है इंजेक्शन वाल्व जहाँ से डीजल आता है, और यहाँ होता है एग्जास्ट वाल्व जहाँ से हमारा क्या होता है धुआं बाहर निकलता है। तो अब सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक मैक्सिमम ऊपर तक जहाँ तक हमारा पिस्टन जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, और जहाँ तक नीचे हमारा पिस्टन मैक्सिमम आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर। अब चूसर स्ट्रोक में क्या होता है, अब ध्यान से समझिए चूसर स्ट्रोक होता क्यों है। देखिए कोई भी हमारा ईंधन होता है तो उसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कि अभी आप इस समय देख रहे हैं कोरोना की सिचुएशन में ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तो हमारी प्राणवायु है यानी कि सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और दूसरा क्या है किसी भी ईंधन को अगर हमको जलाना है तो हमको क्या चाहिए, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपने मोमबत्ती वाला किया ही होगा, गिलास में मोमबत्ती को ढाक देंगे तो बुझ जाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी ईंधन को जलाना है तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है हमारा चारों तरफ, ये है हमारा सिलेंडर और ये है पिस्टन। अब इसमें देखिए चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है, तो क्या इसमें हवा कहीं से अपने से जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम लोग पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसके कारण जो बाहर की हवा है, जिसके कारण क्या होता है जो हमारा इनलेट वाल्व है वो खुल जाता है, और जिसके कारण जो हमारी बाहर की हवा है वो इस सिलेंडर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए पहले प्रोसेस में लिखिए, इसमें पिस्टन TDC से BDC की तरफ चलता है। पहला प्रश्न यहाँ से पूछता है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन किस साइड से किस साइड की तरफ चलता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा TDC से BDC, BDC से TDC, BDC से MDC, ऐसे एक दो फेक ऑप्शन बना देगा। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जिसमें पिस्टन है वो TDC से BDC की तरफ जो है चलता है। अगला पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इस स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में दाब वायुमंडलीय दाब से सिलेंडर में दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है जिससे फ्रेश चार्ज या एयर सिलेंडर के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जब पिस्टन क्या होगा नीचे की तरफ मूव करेगा, BDC की तरफ चलेगा, तो जो सिलेंडर में दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, जिसके कारण जो इनलेट वाल्व है वो खुल जाएगा और हमारा जो फ्रेश चार्ज या एयर है वो सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, ऑनली इनलेट वाल्व ओपन, ये भी प्रश्न पूछता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा कौन सा वाल्व खुला रहता है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा सिर्फ इनलेट वाल्व खुला रहता है, बाकी जो दो वाल्व हैं इंजेक्शन वाल्व और आउटलेट वाल्व या डिलीवरी वाल्व, ये दोनों क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो तीन प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ से यही पूछता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है पिस्टन TDC से BDC की तरफ चलता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें इनलेट वाल्व है वो खुला रहता है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें दाब है इस समय सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर में दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तो ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं।
यानी कि अब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आ गया, हमारा ये एक प्रोसेस यानी कि जो एक स्ट्रोक है वो खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्ट्रोक की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न स्ट्रोक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक। अब पहला स्ट्रोक आपको समझ में आ गया कि ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, वो हमको मिल गई। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, ईंधन को जलाने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या वो अपने आप आग पकड़ लेगा? नहीं। आप उसमें या तो माचिस लगाएंगे, लाइटर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे, तभी तो भैया वो जलेगा, बिना ऊष्मा के कैसे जलेगा। तो दूसरे प्रोसेस में हम लोग यही काम करते हैं कि जो डीजल इंजन के लिए जलाने के लिए हम लोग जो हीट है वो हम लोग पैदा करते हैं कहाँ पर, सिलेंडर में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये वाला जो दूसरा प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस मैंने आप दिखाया हुआ है, ये दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कहाँ था पिस्टन, बीडीसी पर, इसमें कहाँ पहुँच गया, टीडीसी पर, यानी कि टॉप डेड सेंटर पर, और यहाँ पर क्या है, बीडीसी है हमारा। यानी कि जब पहला स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आ गया, और दूसरे स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो यहाँ पे आप लिखिए पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। ठीक है, अब पहले स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे जो हवा थी, हवा यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि हवा बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या कर लिया था इसने, हवा को अपने अंदर खींच लिया था। अब दूसरे स्ट्रोक के दौरान उस हवा को संपीड़न माने कंप्रेस करना, यानी कि उस हवा को क्या करता है, ये दबाता है, जिसके कारण जो एयर है उसका तापमान बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप वॉल्यूम जो है कम करते जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण जो एयर पे क्या होता है, दाब जो है उसका बहुत बढ़ जाता है, और उसके कारण जो है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आप लोगों ने गैलुसाक ला पढ़ा होगा, पी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा है टेम्परेचर उतना ज़्यादा ही, ठीक है, गैलुसाक ला है, मेरे ख्याल से एक बार आप चेक कर लीजिएगा। गैलुसाक ने बताया था कि पी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि दाब प्रोपोर्शनल टू ताप, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो जिसके कारण उसका दाब है वो बढ़ने लगता है, और जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, जिससे हवा संपीड़ित होती है एवं उसका दाब एवं ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको इससे याद रखना है कि इस स्ट्रोक के दौरान दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, तीनों वाल्व बंद रहते हैं। जैसा कि सक्शन स्ट्रोक के समय आपने क्या देखा था कि जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन था, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जो तीनों वाल्व है यानी कि इनलेट वाल्व, इंजेक्शन वाल्व और आउटलेट वाल्व, तीनों क्या होते हैं, तीनों बंद रहते हैं। तो यहाँ से ही चार प्रश्न आपसे बनता है कंप्रेशन स्ट्रोक से। ठीक है,
अब अगला जो आप देखिएगा, अगला जो हेडिंग डालिए वो डालिए शक्ति या प्रसार स्ट्रोक। ठीक, तीसरा हेडिंग डालिए शक्ति या प्रसार स्ट्रोक। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। अब जब हमारा पिस्टन एकदम टीडीसी पर पहुंच गया है, तो एकदम जब टीडीसी पर पहुंच गया तो जो यहां पे हवा है उसका आयतन बिल्कुल कम हो गया, उसका दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि अगर उसमें डीजल को डाल दिया जाए तो डीजल हमारा क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो ठीक प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे ही पिस्टन हमारा कम हवा को कंप्रेस करते हुए टीडीसी पर पहुँचता है, उसी समय हम लोग क्या कर देते हैं, जो इंजेक्शन वाल्व है उसको खोल देते हैं। ठीक है, टीडीसी पर जैसे ही पहुंचता है, टीडीसी पर थोड़ा सा पहुंचने से पहले ही जो क्या कर देते हैं हम लोग, जो इंजेक्शन वाल्व खोल देते हैं। और इंजेक्शन वाल्व जब खुलता है, यानी कि हम लोग खोल नहीं देते हैं, इंजन की सेटिंग ऐसे रहती है कि जिसके कारण टीडीसी पर पिस्टन के पहुँचते ही इंजेक्शन वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। और इंजेक्शन वाल्व के खुलते ही यहाँ पे जो डीजल आता है वो फवारे के रूप में, यानी कि पतली पतली जो है फुहारों के रूप में, बहुत छोटे छोटे बूंदों के रूप में आता है। और जब डीजल यहाँ पे आता है तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण क्या होता है, डीजल हमारा जलने लगता है। और जब हमारा डीजल जलता है जिसके कारण क्या बनती हैं, गैसें बनती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दग्ध गैसें। दग्ध गैसें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लू गैस। ठीक है, और जब हमारा ईंधन जलता है, डीजल जलता है, जिसके कारण फ्लू गैसेस बनती हैं, और उन गैसों को निकलने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता है। जैसे कि दीपावली के समय में, एग्जांपल के रूप में समझिए, दीपावली के समय में आप लोग पटाखा फोड़ते हैं, तो पटाखे में क्या होता है, बारूद। बारूद क्या है, ईंधन है। जब आप उसमें बत्ती में क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब आग अंदर जाती है, बारूद जलता है, लेकिन बारूद जब जलता है तो क्या बनती है, फ्लू गैसेस बनती है, यानी कि स्मोक। आप नॉर्मल अगर भाषा में बोलें, यानी कि इंजीनियरिंग की भाषा में बोलेंगे तो आप दग्ध गैस है, फ्लू गैस है। ठीक, नॉर्मल भाषा में बोलें तो क्या बोलता है, स्मोक बनता है, धुआं बनता है। और जब उस धुएँ को कहीं निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो फट जाता है, जिसके कारण आवाज़ आती है। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, हम लोग डीजल जला रहे हैं, डीजल जब यहाँ पे आया तो आग जो यहाँ पे हवा हमारी गर्म हो चुकी है, उसके कारण उसने क्या पकड़ लिया, आग पकड़ लिया। जब आग पकड़ लिया तो फ्लू गैसेस बनी, लेकिन यहाँ पे फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थान है भैया, यहाँ पे पिस्टन को नीचे धक्का दे सकता है ना। अगर चारों तरफ से बंद रहेगा तो सिलेंडर फट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिस्टन हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो यहाँ पे फ्लू गैसेस बनेंगी वो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का लगाएंगी, जिससे पिस्टन हमारा फिर क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, और जिससे हमको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा इंजन जो है काम करता है। और हमको क्या चाहिए इंजन से, भैया पावर ही तो चाहिए, शक्ति ही तो चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा इंजन है वो काम कैसे करता है। तो सेम वही पॉइंट इसमें लिख लीजिए, टीडीसी से बीडीसी। इसमें क्या होता है, जो पिस्टन है वो कहाँ से चलता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। ऐसे आप एरो भी बना लीजिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए इसमें क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी चलता है, इसमें क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी चलता है, और ये क्या है, तीसरा वाला जो हमारा स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है, जिसके दौरान हमको पावर मिल रही है। तो इसमें क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, तीनों वाल्व बंद रहते हैं। क्योंकि अगर कोई वाल्व खुल जाएगा तो जो फ्लू गैसेज हैं वो निकल जाएंगी,
तो हमको पिस्टन नीचे कहाँ आ पाएगा फिर? तीनों वाल्व बंद रहेंगे तभी तो प्रेशर बनेगा, तभी तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। तो तीनों वाल्व क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ठीक है, तो इतना ही पॉइंट आप याद रखने हैं। प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है, तो ये होता है हमारा तीसरा प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति या पावर स्ट्रोक। अगला जो है चौथा स्ट्रोक होता है वो होता है हमारा निकास स्ट्रोक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जास्ट स्ट्रोक। तो चौथा आप लिख लीजिए निकास स्ट्रोक, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जास्ट स्ट्रोक। ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि मैं आपको जब पेट्रोल इंजन पढ़ाऊं तो मैं ये सभी चीज़ें नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, फिर जब मैं पेट्रोल इंजन पढ़ाऊंगा, पेट्रोल इंजन में क्या है, यही सेम प्रोसेस है। चार फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में भी क्या होता है, यही चार स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, जो ये सभी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, ये सब हमारा पेट्रोल इंजन में भी सेम होता है। ठीक है, जो वहाँ पर डिफरेंस रहता है वो पेट्रोल को जलाने का तरीका। पेट्रोल को हम लोग दूसरे तरीके से जलाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हवा को संपीड़ित करके जला रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग की सहायता से जो है पेट्रोल को जलाते हैं। और दूसरा, पेट्रोल की जो सप्लाई की चेन है वो भी डिफरेंस होती है, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डीजल की सप्लाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समय इसलिए लग रहा है क्योंकि फिर मैं सभी चीज़ें आपको नहीं लिखाने वाला हूँ, पेट्रोल इंजन आपको समझा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, बाकी जो प्रोसेस है ये सभी सेम होता है। अब देखिए निकास स्ट्रोक एग्जास्ट स्ट्रोक में क्या होता है, तो ये वाला हमारा चौथा स्ट्रोक है, इसमें भी क्या होता है, पिस्टन टी डी सी से बी डी सी की तरफ चलता है, यानी कि हमको पावर मिल गई। पावर तो मिल गई भैया, लेकिन यहाँ पे जो अब गैसेज हैं, यानी कि जो जली हुई गैसें हैं, जो धुआं है वो बचा रह गया है। अगर इस धुएं को नहीं निकालेंगे तो कहाँ से फिर नई हवा को आने के लिए स्थान मिलेगा? क्योंकि जब ये गैस जली तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गया ना, ऑक्सीजन जो था वो जलाने में उपयोग हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, और क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। अगर हम फिर इसमें डीजल डालेंगे तो क्या डीजल हमारा सही से जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। तो हमको क्या करना है, जो यहाँ पे अभी गैस, ख़राब गैस जो बची हुई है, जिससे हमको पावर मिल गई है, उसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है, पिस्टन फिर टी डी सी से बी डी सी की तरफ चलता है, और उस समय क्या होता है, जो एग्जास्ट वाल्व है वो खुल जाता है, और इस एग्जास्ट वाल्व से जो जली हुई गैसें हैं, धुएं धुआं जो है नाम भाषा में, जो धुआं है वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है हमारा एग्जास्ट स्ट्रोक। अब यही जो साइकिल है बार बार हमारा इंजन में चलता रहता है, धुआं बाहर निकल गया, अब फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, हवा यहाँ पे होगी, हवा आएगी बाहर से, फिर दूसरे में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, हवा को दबाएगा, हवा को गर्म करेगा। जब हवा पूरी तरीके से हमारी, जब यहाँ पर पिस्टन टी डी सी पर पहुँचेगा तो हवा हमारी एकदम गर्म हो जाएगी। ठीक उसी समय यहाँ पर इंजेक्शन वाल्व से क्या आएगा, डीजल आएगा। डीजल आने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये गर्म हवा में जब डीजल संपर्क में आएगा तो डीजल हमारा जलने लगेगा, और जब डीजल हमारा जलेगा तो फ्लू गैसेज बनेंगी। फ्लू गैसेज क्या होंगी, इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेंगी, और इस पिस्टन को जब नीचे की तरफ धकेलेंगी तो हमको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। पावर मिलने के बाद यहाँ पे जो गैसेज हैं वो बची हुई हैं, बेकार जो जली हुई गैसेज हैं वो बची हुई हैं, जिसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो फिर पिस्टन क्या होगा, टी डी सी से बी डी सी की तरफ मूव होगा, जिसके कारण क्या होगा, और टी डी सी से जब बी डी सी तरफ मूव करेगा तो हमारा जो एग्जास्ट वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, तो जिससे जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और फिर से यही प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह हमारा इंजन लगातार काम करता रहता है। तो यहाँ पे चौथा, अब समझ में आ गया सभी चीज़ें, तो इसमें लिख लीजिए कि टी डी सी से बी डी सी की तरफ चलता है निकास स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक। दाब वायुमंडलीय दाब से हमको अधिक रखना पड़ेगा, तभी सिलेंडर से जो जली हुई गैसें हों बाहर निकलेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए ओनली एग्जास्ट वाल्व ओपन, यानी कि क्या होगा, सक्शन वाल्व और इंजेक्शन वाल्व दोनों क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, सिर्फ हमारा क्या खुला रहेगा, एग्जास्ट वाल्व खुला रहेगा।
ठीक है, तो जो हमारी जली हुई गैस है वो बाहर निकल जाएगी और इसी तरीके से हमारा इंजन काम करता है। और जब यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो मैंने आपको संरचना में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पिस्टन ऊपर नीचे करता है तो जो क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है, इस मैकेनिज्म की सहायता से, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको दो भागों में बांटा था ना, मैंने आपको बताया था कि इधर इंजन है जहाँ पे हमको पावर मिलती है और इस पावर को हम लोग यानी कि रेसिप्रोकेटिंग हमको मोशन मिलता है आगे पीछे की गति। पिस्टन हमारी क्या करता है, आगे पीछे की गति करता है, लेकिन आगे के मैकेनिज्म की सहायता से पिस्टन के इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यानी कि पश्चाग्र गति को हम लोग क्या कर लेते हैं, रोटरी मोशन में बदल लेते हैं और जहाँ भी हमको उपयोग करना होता है हम उपयोग कर लेते हैं। ये था हमारा 4-स्ट्रोक डीजल इंजन। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, तो 15 से 20 महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको लिखाने वाला हूँ इसी डीजल इंजन से संबंधित। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग या कुछ भी अपना समझने के लिए लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, या नोट्स करके लिख लीजिए, नोट्स करके 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट ऐसा लिख लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं जितने एक साथ बोर्ड पे आए, अभी और पॉइंट बचे हुए हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या आता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा हवा आता है, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा सिर्फ हवा, मतलब पहला ऑप्शन दिया रहेगा सिर्फ हवा आती है, दूसरा ऑप्शन आएगा सिर्फ डीजल आता है, तीसरा ऑप्शन आएगा डीजल और हवा का मिश्रण आता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर में आता है यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर आता है। अगला जो है पॉइंट आपको याद रखना है कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग नहीं होता है, या दूसरे तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा पेट्रोल इंजन, अगला ऑप्शन दे देगा डीजल इंजन, तीसरा ऑप्शन दे देगा स्टीम इंजन और चौथा हो जाएगा जेट इंजन। तो किसमें कार्बोरेटर, जेट इंजन आप हटा दीजिए, किसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, डीजल इंजन में किसी भी तरह के कार्बोरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है डीजल, अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं होता है। स्पार्क प्लग का उपयोग किस में होता है, पेट्रोल इंजन में। स्पार्क प्लग की जगह पर ही यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, इंजेक्शन वाल्व का उपयोग किया जाता है, इंजेक्शन वाल्व। मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था ना कि वहाँ पे क्या होता है इंजेक्शन वाल्व, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, वहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, जहाँ पे डीजल इंजन में इंजेक्शन वाल्व लगा रहता है वहाँ पे पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। जब हम लोग 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न पूछता है कि डीजल इंजन में कुल कितने वाल्व होते हैं, तो डीजल इंजन में कुल 3 वाल्व होते हैं। मैंने आपको बताया कि इनलेट वाल्व, एग्जास्ट वाल्व और इंजेक्शन वाल्व। इंजेक्शन वाल्व को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंजेक्शन वाल्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वाल्व को ही हम लोग फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात है, शायद मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले ही कि डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात होता है कितना होता है, 16 से 24 होता है। जबकि अगर आपसे पूछे पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात, संपीड़न अनुपात क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले ही। जबकि आपसे पूछे पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है, तो पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है 6 से 10। अगला जो पॉइंट है कि डीजल इंजन संपीड़न प्रज्वलन इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, क्योंकि यहाँ पे जो डीजल को क्या किया जाता है, संपीड़न की सहायता से एयर को संपीड़ित करके कंप्रेस करके जला जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न प्रज्वलन इंजन। अगला जो प्रश्न पूछता है कि जो डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता यानी कि जो थर्मल इफिशियंसी है वो कितनी होती है, तो डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता 35 से 40% तक होती है। अगला प्रश्न पूछता है कि किस इंजन की ऊष्मीय दक्षता अधिक होती है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए कि जो डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है यानी कि जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो पेट्रोल इंजन से अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे अगर 35 से 40% हमारा डीजल इंजन इफिशियंसी दे रहा है
तो पेट्रोल इंजन कितना देता है 25 से 30%। तो थर्मल इफिशेंसी की अगर आप बात करेंगे तो कौन किस डीजल इंजन की क्या होती है, पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होती है। अगला जो पॉइंट है, ये पेट्रोल इंजन की अपेक्षा स्लो स्पीड पर काम करते हैं, ठीक है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि पेट्रोल इंजन यूज हम लोग क्यों करेंगे भाई, अगर इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो हर जगह डीजल इंजन उपयोग करें। लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग को अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है जहाँ पर डीजल इंजन उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन की अपेक्षा स्लो स्पीड पर काम करते हैं। अगला जो है पॉइंट है, दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में कंपन अधिक होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डीजल इंजन में कंपन अधिक क्यों होता है। कहीं भी आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना करेंगे तो पेट्रोल इंजन में वाइब्रेशन कम होगा और डीजल इंजन में जो कंपन होगा, जो वाइब्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों, किस किस कारण से डीजल इंजन में क्या होता है, कंपन अधिक होता है। तो दाब की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या होता है, कंपन अधिक होता है, वाइब्रेशन अधिक होता है, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट थे। अगला जो है लिखिए पॉइंट नंबर 10। तो मैं पहले सभी पॉइंट को नोट कर लेता हूँ फिर आपको जो है बताता हूँ। देखिए कुछ पॉइंट मैंने और लिख दिए, 9 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देख लिए थे। 10वां पॉइंट क्या है कि डीजल इंजन में, प्रश्न पूछता है कि डीजल इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हवा को संपीड़ित किया जाता है जिसके कारण वो गर्म हो जाती है और फिर जब उसमें डीजल आता है तो जलने लगता है। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर के तापमान से, ठीक है। ये देखिए जो पॉइंट में लिखा रहा हूँ ये सब प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, लेकिन अब मैं प्रश्न लिखाऊंगा, चार ऑप्शन लिखाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उन प्रश्नों को मैं वन लीनियर के माध्यम से लिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप अपने नोट्स में नोट किए रहेंगे तो एग्जाम के समय में 2 दिन पहले आप आसानी से सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन ज़रूरी थे इसलिए लिख दिए, डीजल इंजन में क्या होता है। पहला है सस्ता ईंधन प्रयोग होता है, जो बिल्कुल डीजल इंजन, डीजल क्या होता है, सस्ता होता है पेट्रोल से। दूसरा है थर्मल कार्य कुशलता अधिक। तो पिछले पॉइंट में मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो थर्मल इफिशियंसी होती है, थर्मल कार्य कुशलता होती है वो डीजल इंजन की अधिक होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है, भारी होता है तो डीजल इंजन, आपको अगर आप बात करेंगे कि क्या होगा, जो पेट्रोल इंजन होगा उससे भारी होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन जो है सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन, ये सभी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्टन चैम्बर का तापमान कितना होता है। कंबस्टन चैम्बर वो चैम्बर होता है जहाँ पर क्या होता है, डीजल को जलाया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि अगर आपने एयर को कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस करने के बाद जो तापमान होगा कंबस्टन चैम्बर का वो कितना होगा। कितना होता है, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया ज़्यादा तापमान रहेगा तभी तो डीजल आएगा तो इसमें जलने लगेगा ना। कितना होता है, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि 4 स्ट्रोक इंजन 1200 RPM पर घूम रहा है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या जो है कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर RPM आपको दिया है 1200 RPM, RPM का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कहे कि कोई जो इंजन है वो 1200 RPM पर घूम रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, जब हमारा 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने चक्कर घूमता है, 2 चक्कर, यानी कि जस्ट क्या, आधा, ठीक है। यानी कि 4 स्ट्रोक कंप्लीट होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एग्जास्ट होगा, उतनी 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने में जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो कितने चक्कर घूमेगा, 2 चक्कर, यानी कि जस्ट क्या है, आधा। तो 1200 RPM पर अगर हमारा घूम रहा है तो जो उसमें पावर स्ट्रोक की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट आधा। यानी कि इसका सिंपल एक फार्मूला होता है N/2। अगर आपसे पूछे कि इंजन हमारा इतने RPM पर घूम रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन हमारा 1000 RPM पर घूम रहा है, तो उसमें प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे N की जगह पे रख देंगे 1200/2, तो पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी आ जाएगी, 600। कहीं पे भी ये प्रश्न पूछे कि 4 स्ट्रोक इंजन हमारा 2000 RPM पर घूम रहा है तो उसमें प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी, N/2 कर देंगे, यानी कि 2000/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000।
इसी तरीके से अगर आपसे टू स्ट्रोक में पूछे कि टू स्ट्रोक इंजन हमारा 1000 RPM पर घूम रहा है तो उसमें प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी N, यानी कि जितने RPM पर घूम रहा है उतना पावर स्ट्रोक। लेकिन फोर स्ट्रोक की बात करेगा, जितने RPM पर घूमेगा उसका आधा पावर स्ट्रोक हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसी 4 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको वही बताया कि एक साइकिल में कितने स्ट्रोक होगा, 4 स्ट्रोक। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर घूमता है, 2 चक्कर। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ना कि 4 स्ट्रोक होगा, तो 4 स्ट्रोक में कितने चक्कर घूमेगा, 2 चक्कर घूमेगा। अगला जो है पॉइंट लिखिए, सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय चलता है। सिलेंडर में जो पिस्टन होता है वो सक्शन स्ट्रोक के समय कहाँ चलता है, तो सक्शन स्ट्रोक के समय TDC से BDC की तरफ चलता है। और भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन कहाँ चलता है, TDC से BDC की तरफ चलता है। ये भी जो है ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की जो कार्य प्रणाली है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसा ही अगले वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।